الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيء فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله الاعظم اعظم الذي اذا دعى به اجاب في سو في سوار ثلاث البقرة وآل عمران وطه آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم पिछले रुकू में हमने बात की थी, थी कि थोड़ी सी जमात भी ऐसा होता है कि बड़ी जमात के ऊपर गालिब हो जाती है फिर हमने बात की थी सवाल अमीर नेक सवाल अमीर की मदद अल्लाह ताला के में फिर हमने बात की थी अतात अमीर की हर जायज काम में जरूरी है जब जंग का मौका आए तो नुसरत और फतह की दुआओं की भी बहुत अहमियत है इसकी बात की थी जालूद की शिकस्त के बारे में बात की थी हजरत दाऊद को पहली मरतबा ऐसा हुआ कि नबूत और बादशाहत एक जगह के ऊपर जमा की गई इस बारे में बात की गई फिर नबी करीम वसल्लम की नबूत पुख्ता यानी कि लाजम है उसके बारे में जो जैसी चीजें अल्लाह ताला ने उनको बताई उसकी एक तरह से कह लें कि सबूत कायम किया गया था आज वाला जो रुकू है वो अनतहा अहम रुकू है।, है बहुत छोटा सा रुकू लेकिन मतलब आप समझ जाएं कि इतनी हिदायत से भरा हुआ है कि अगर इसके ऊपर और इस पे इस सिर्फ इस, इस एक को अच्छे से पकड़ा जाए तो कई काम बन जाए तो इनशाला शुरू करते हैं यादी अन फिको नजिमून ए मान मालू जो रिस्क हमने तुम्हें दिया है उसमें से वो दिन आने से पहले खर्च कर लो जिस दिन ना कोई सौदा होगा ना कोई दोस्ती काम आएगी और ना कोई सिफारिश होगी और ालिम वो लोग हैं जो कुफर कुफुरखती किए हुए माल खर्च करने का और कहा कि उस दिन के आने से पहले खर्च कर लो वो दिन क्यामत का दिन है और जो लोग जिंदा है उनके लिए आखिरी सांस तक का मौका है उससे पहले खर्च कर लो अब ये खर्च करना जो एक हुक्म के तौर पे लिया जाए तो चुनाचा अल्लाह ताला की रजा के लिए खर्च करना जब नियत क्यों हो कि मैं जो माल खर्च करता हूँ वो अल्लाह की रजा के लिए तो अल्लाह ताला उस माल में बरकत बहुत डाल दे है और हमें बाहिर देखने वाले को ऐसा लगता है वो माल खर्च कर रहा है खत्म हो रहा है हालांकि वो माल बढ़ रहा होता है तो हम जितने लोग हैं अपनी इस्तात के हिसाब से अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करने की एक आदत बनाएं तो चुनाचा सूरह बकरा की अभी आगे इंशाला हम जाएंगे तो पता चलेगा एक और आए तो उसका तर्जुमा जो लोग अपना माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं उसकी मिसाल उस दाने जैसी है जिसमें से सात बालियां निकले और हर बाली में सौ दाने हों और अल्लाह ताला जिसे चाहे बढ़ा चढ़ा कर दे और अल्लाह ताला कुशादगी वाला और यानी कैसे अल्लाह ताला ने मुवाज़ना किया कि एक यूं समझ जाए वो एक गालिबा गंदम का बीज एक डालते हैं ना वो जब उगता है एक से फिर कितने निकल दें अल्लाह ताला ने कहा ऐसे अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करने वाला है अब मगर हमें शायद एक गलत फहमी है या एक नीयत को अच्छे से हमें समझने की जरूरत है वो क्या कि हमें ऐसा लगता है कि हमने मस्जिद में दिया पैसा तो ये अल्लाह की राम ऐसा नहीं है इंसान जो अपने बीवी बच्चों के ऊपर खर्च कर रहा हो माँ बाप अपने अजीज व के ऊपर खर्च कर रहा हो वो सारा भी सद का बस ये कि दिल में क्या होना चाहिए या अल्लाह में आपकी रजा के लिए खर्च कर रहा हूं तो गोया ऐसे कामों में खर्च हो रहा होगा वो जो बस इस बात का ख्याल रखा जाए कि ये माल अल्लाह की नाफरमानी में खर्च नहीं होगा वरना कैसा सदका वरना तो ये जुल्म हुआ मतलब खुदाना खादा है एक वालिद साहब अपने बच्चों को सिनेमा का टिकट खरीद के दे दें बोलेंगे मैंने बच्चों के ऊपर तो माल खर्च किया अभी अभी ये कोई सदका नहीं किया मेरे भाई और यकीन माने एक एक बिस्किट खरीद के दे दें और सोचेंगे बच्चे मेरे खुश होंगे खाएंगे अभी अल्लाह की राम अच्छा माल खर्च किया हालांकि अभी तो दिन की कोई बात ही नहीं हुई अब आप उसकी तालीम के ऊपर खर्च करना शुरू करें ओहो सुबह अल्लाह इसी तरह से वालदेन इसी तरह से अजीज दर्जा यूं ही सबसे पहले करीबी वाले यानी बीवी बच्चे वालदेन फिर भाई बहन सगे भाई बहन उससे निकल जाए तो कोई चचा चचा के बच्चे पप्पो काला मामू उससे भी बाहर निकल जाए फिर ये साथ काम करने वाले हो गए पड़ोसी हो गए और ऐसे एक अपना सर्कल क्लियर होना चाहिए वहां और कोई और वैसे ही चलते फिरते मांग ले अब वो उससे कोई भी रिश्ता नाता नहीं है तो जिस हद तक हो सके अल्लाह ताला की राह में मदद कर दे नबी करीम वसल्लम के बारे में एक हदीस में आता है कि किसी भी मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लुटा देते कुछ ना कुछ दे देते और नहीं तो वादा कर लेते ले थे कि फलाने दिन आना उस वक्त दे दो तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए किया जा सकता है और अल्लाह की राह में माल खर्च करने वाला है चुनाचा एक जगह हदीस पर आता है कि ऐसा लगता है कि वो माल कम हो रहा है हालांकि वो माल बड़ा होता है कभी भी कोई सदका करने से गरीब नहीं होगा मगर हां इसके भी असूल जवाब बताएं ऐसा नहीं है कि सदका यूं किया जाए कि खुद मोहताज हो जाए ऐसा नहीं है तो अब ये सोचे कि वो भाई मैं अब सारा का सारा, सारा सदका कर देता हूं कि बढ़ जाएगा तब तो दोबारा एक और आयत की खिलाफ वर्जी हो गई वो आयत की खिलाफ वर्जी क्या है कि माल जरूरत से जायद कर दो ऐसा नहीं जरूरत वाला भी उठा के दे दिया अपने खाने पीने के लिए रखा नहीं अपने इस्तेमाल के लिए रखा नहीं यानी सेट्स पूरे पता होने चाहिए ना तब जाके बात बनेगी हाँ ये बात जरूर है कि जायद जो था और कोई ऐसी परेशानी नहीं थी तो वो सदका कर दिया उसको नहीं रोका कि कहीं ये सोच करके कि भाई कल क्या खाऊंगा वो भी रोक के बैठा हुआ है ये जुल्म नहीं किया तो अब ये सही डायरेक्शन में सबका हो तो अल्लाह ताला ने कहा कि खर्च करो इससे पहले कि वो देना आ जाए चुनाचा एक बहुत अच्छी एक हदीस है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ और देखें अल्लाह ताला अल्ला ताला अल्लाह अपनी राह में खर्च करने वालों की कैसे मदद कर रहे हैं चुनाचा सही मुस्लिम की हदीस है सैदना अबू हुरर रलीहानो से रिवायत है कि रसूल वसलम ने फरमाया एक मरतबा एक शख्स एक मैदान में था तो उसने बादल में एक आवाज़ सुनी कि फलह के बाग को सींच दें उस आवाज के बाद बादल एक तरफ चला और एक पथरीली ज़मीन में पानी बरसाया वहाँ की नालियों में से एक नाली मुकम्मल तौर पर भर गई तो वो शख्स बरसते पानी के पीछे पीछे गया अचानक एक मर्द को देखा कि अपने बाग में खड़ा पानी को अपने फौड़े से इधर उधर करता है सो तो उसने बाग वाले से कहा ए अल्लाह के बंदे तेरा क्या नाम उसने कहा फ़लाना नाम है वही नाम जो बादल में सुना था फिर बाग वाले ने उस शख़्स से कहा अल्लाह के बंदे आपने मेरा नाम क्यों पूछा तो बोला मैंने बादल में एक आवाज़ सुनी जिसने जिसका ये पानी है कोई कहता है कि फ़लाने के बाग को सींच दे तो वो आपका ही नाम था तो उस बाग में क्या अमल करते हो आप इस बाग में क्या अमल करते हैं बाग वाले ने कहा जबकि आपने ये कह दिया है तो मैं इस बाग की पैदावार को देखता हूँ फिर उसको एक तिहाई सबका करता हूं एक तिहाई मैं और मेरे बाल बच्चे खाते हैं और एक तिहाई दोबारा उस बाग में लगाते हैं ऐसे बंदे की अल्लाह ताला यूं मदद फरमा रहे होते तो पानी को भी हुक्म को मैं जाओ उसके बाग तक जरूर पहुंच अल्लाह की राह में खर्च कर गरीबों मौल अब अगर टेक्निकली देखा जाए ना तो इसने तैतीस फीसद लग रहा है ना सदका किया तैंतीस फीसद वापस बाग में लगा दिया और तैंतीस फीसद अपने ऊपर बीवी बच्चों पे खर्च किया ऐसे ही लग रहा है ना यानी ये गलत लग इसने सड़सठ फीसद कम से कम अल्लाह की राह में खर्च करा सड़सठ परसेंट सिक्सटी सिक्स कैसे जो बीवी बच्चों पर खर्च किया तो अल्लाह की राह में तो उम्मीद है कि ये कि यह नाजायज कामों में नहीं खर्च करने वाला होगा जायज कामों में खर्च होगा तो खुशी से अल्लाह की राह में यूं खर्च किया करे इस नियत के साथ खर्च किया करें अल्लाह सारा लिखा जाएगा तो ये एक बहुत ही अहम हिस्सा है अल्लाह ताला शुरू में भी कुरान के शुरू में भी यूं कहते हैं कि हमारे दिए हुए माल में से खर्च करो पहली बात तो इस चीज़ को मान जाना और समझ जाना है कि जो माल हमारे पास मौजूद है वो किसका है अल्लाह सुबहाना वाल का है हमारा अपना जी नहीं है तो जब इस चीज का एक बार दिल में एहसास हो जाएगा ना कि भाई ये अल्लाह का माल है अल्लाह की राहे खर्च होना है तो फिर उसको खर्च करते हुए ऐसी कोई भी नहीं माल या अल्लाह क्या अपने पर क्या मामला इंशाल्लाह इस बात का एहतमाम करेंगे ना एक दूसरी बात जो इस आयत में आई क्या कि इस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा कोई सिफारिश नहीं कोई दोस्ती नहीं कुछ भी नहीं मगर आगे अल्लाह ताला कुरान में एक और मौके के ऊपर समझाते हैं ये आयत नंबर मुतगी लोगों के अलावा उस दिन तमाम दोस्त एक दूसरे के दुश्मन यानी उसी दिन की बात हो रही है जहां सिफारिश काम नहीं आएगी मगर जो मुत्तगी दोस्त होंगे ना उस दिन भी काम आए सुबह जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात भी उस दिन काम आएगी एक और जगह कुरान में आता है कि उस दिन किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होगी सिवाय उसके जिसे अल्लाह तुम कर और वो वो बात भी वही करेगा जो हक और सच्ची होगी तो ऐसा नहीं है कि उस दिन बिल्कुल ही तो सुना है ना मशहूर है कि वो दीगर जगहों के ऊपर आता भी है कि एक हाफिज जो है वो इतनों को अपने साथ ले जाएगा एक आलिम एक मुफ्ती जो है वो इतनों को साथ ले जाएगा तो वो क्या है तो अल्लाह वालों से दोस्ती रखना भी उस दिन मदद की एक गारंटी है अल्लाह वालों के साथ उठना बैठना भी उस दिन काम आने वाला है इंशाल्लाह। चुनाचा सुर काफ अगर पढ़ने का मौका मिलता हो और उर्दू में कभी समझने की का मौका मिले तो उसमें भी अल्लाह हैं कि वो जो गुमराह हो जाता है वो अल्लाह के मुकाबले में कोई दोस्त नहीं पाता उससे जो चीज छीनी जाती है ना वो इस दुनिया में नेक सवाले दोस्त छीन लिया जाता है अल्लाह वाला दोस्त छीन लिया जाता है तो बस बात खत्म हो अब वो गया जिससे नेक दोस्त तो अल्लाह वाले दोस्तों की कदर करें और उनके साथ जुड़ के किसी सूरत उनसे ना छूटे अल्लाह क्यूम لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشرع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يوده حفظهما وهو العلي العظيم अल्लाह सुबहाना तआला वो हैं जिनके सिवा कोई माबूद नहीं जो हमेशा ज़िंदा हैं जो पूरी कायनात संभाले हुए हैं जिनको ना कभी उंग आती है ना नींद आसमानों में जो कुछ है वो भी और ज़मीन में जो कुछ है वो भी सब उन्हीं का है कौन है जो उनके हुजूर उनकी इजाज़त के बगैर किसी की सिफारिश कर सके उनकी इजाज़त के बगैर किसी की सिफारिश कर सके वो सारे बंदों के तमाम आगे पीछे के हालात को खूब जानते हैं और वो लोग उसके इल्म की कोई बात अपने इल्म के दायरे में नहीं ला सकते सिवाय उस बात के जिसे वो खुद चाहें, उनकी कुर्सी ने सारे आसमानों और जमीन को घेरा हुआ है और उन दोनों की निगेबानी से उन्हें जरा भी बोझ नहीं होता और वो बड़े आली मकाम साहिबे है। चुनाचा कुर्सी पूरी पड़ी गई इसका तर्जुमा बेतहा जोरदार तर्जुमा इसमें भी अगर देखा जाए तो एक मौके के ऊपर यू ही बताया गया कि अल्लाह तला की मर्जी के बगैर कोई सिफारिश नहीं कर सकता इसका मतलब मर्जी से तो सिफारिश कर कुछ लोग तो होंगे जो मर्जी से सिफारिश करेंगे फिर अल्लाह ताला ने आगे क्या बताया अल्लाह ताला की बातें हमारे जानने की नहीं है सिवाय इसके जो अल्लाह ताला खुद बता दें जो इल्म हमें अदा फरमा दिया गया उनका इल्म काफी ज्यादा तो बहरहाल आगे एक बात और बड़ी अहम बात है और यूं कहा अल्लाह यानी जमीन और आसमान की निगरबानी करना उनके लिए कोई परेशानी की बात हम अगर देखें ना अपने इंसान होने की हैसियत से तो जैसे जैसे काम या लोड या अपने ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती थी वो मुश्किल आती परेशानी लगने लगती वो भाई ये ओ हो तो टीम ज्यादा हो गई तो टीम लीडर की परेशानी होती है सारों को संभालो उनके उनसे काम भी लेना होता है ना नहीं और फिर उसके अलावा उनके दीगर अखराजा उनको खुश रखना है सारी परेशानियों की बात इन सारी चीजों से अल्लाह तला बरी उस हमारे लिए जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वो बंदा ईमानदार बंदा होगा तो परेशान होता जाएगा ये वही ये जिम्मेदारी है ये सबों को संभालना पड़ेगा तो कोई फारिग हो अगर बिल्कुल तो हो तो उसको क्या फर्क पड़ता है सौ क्या पचास जो आता आता रहे जब तक आएगा आएगा जैसे हमारे यहाँ अगर इस वक्त हुक्मरानी देखी जाए और हुकूमतों का हाल देखा जाए इतना तो नहीं फर्क पड़ता ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आवाम के साथ तो अल्लाह ताली रहम फरमाए कभी कभार चीज़ों की कीमतें बहुत ज्यादा भी बढ़ रही होती हैं लेकिन परेशानी नजर नहीं आ रही होती चेहरों पर हुक्मरानों तो के क्यों भाई कम से कम परेशानी हो जाओ कि भाई ये इतनी मुश्किल अब कैसे ये हमारी अवाम बर्दाश्त करेगी चुनाच हजरत उमर रलि के बारे में आता है कि वो यूं कहते हैं कि अगर किसी दरिया के किनारे पे कोई कुत्ता भी मरेगा तो वो उमर से पूछा जाएगा कि तुम्हारी मलकियत में कैसे कुत्ता मर गया तो उनका डर खौफ अल्लाह ताला के लिए देखें अल्लाह ताला से देखें इधर हमें फर्क ही नहीं है इधर हमारे फर्क ही कोई नहीं पड़ रहा हो जी कोई बात नहीं हमारा हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है तो चुनाचा आए कुर्सी के बारे में आता है एक रिवायत में अम्मा अब कसी रहमुल्ला ने बरवात हजरत अबू अबूजर गफ् रि के नकल किया है कि उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियात किया कि कुर्सी क्या और कैसी है यानी इसमें जो कुर्सी का जिक्र हुआ वो क्या है और कैसी है तो आप सल्लम ने फरमाया कसम है उस की जिसके कब्जे में मेरी जान है कि सातों आसमानों और ज़मीनों की मिसाल कुर्सी के मुकाबले में ऐसी है जैसे एक बड़े मैदान में कोई अंगूठी का हल्का डाल दिया जाए बड़े मैदान में मतलब हम हम तो सोचते होंगे ना कि क्या कुछ एक हम हमारी एक सोच है ना एक हमारा एक तरीका कार है देखने का एक हद है उस हद से हम देखते हैं और समझते हैं अब जैसे आप देखें ना समुंदर पूरा तो नहीं देख सकते हम एक जगह तक आग जाती है फिर ऐसा लगता है कि समुंदर और आसमान मिल गया और बस वही है जितना हम देख सकते हैं अनलिमिटेड व्यू तो नहीं है सितारे तो एक हद तक देख सकते हैं बस फिर उत्ते से आगे वाले नजर ही नहीं आते फिर आगे जाओ तो उससे आगे वाले नजर आना शुरू हो जाते तो हद एक बंदी हुई है तो कुर्सी के बारे में उन्होंने पूछ लिया भाई ये कुर्सी का जिक्र है तो क्या चीज़ है हमें भी बताएं कैसी है कुर्सी तो यूं बताया कि सात आसमान जमा करो सातों दुनिया ये यूं जोड़ दो तो ये इतना है कि एक अंगूठी एक बड़े मैदान में कुर्सी ऐसे है सब कुछ भी जोड़ दिया जाए तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कोई हम नहीं उसको कर सकते कि कितनी बड़ी है तो लिहाजा और किस तरह से कैसी अल्लाह की शान है ये हमारे दिमाग में आने वाली बात नहीं है तो बस ये बात जरूर है कि अल्लाह ताला इसके ऊपर समा गए और फिर अल्लाह सारी चीजों को देखते हैं जिस तरह चाहते हैं चलाते हैं बहुत ज्यादा वसी बहुत ज्यादा बड़े नहीं अपने दिमाग में हम ला सकते फिर एक और रिवायत में आता है सही मुस्लिम की रिवायत सूरह आयतुल कुर्सी की फजीलत तो हजरत इतने अभी बिन काब बिनकाबनों से रिवायत है उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू मंजर क्या तुम जानते हो किताब अल्लाह किताब अल्लाह की कौन सी आयत जो तुम्हारे पास है सबसे ज्यादा अजीम है कहाँ मैंने अर्ज़ की अल्लाह और उसके रसूल सल्लम ज़्यादा जानते हैं आप ने दोबारा फ़रमाया ए अबू मंज़र, क्या तुम जानते हो अल्लाह की किताब की कौन सी आयत है जो तुम्हारे पास है सबसे अज़ीम है कहाँ मैंने अर्ज़ किया अल्लाकयम कहाँ तो आप फ़रमाया सीने पर हाथ मार के उनके अल्लाह की कसम अबू मंज़र तुम्हें यह मुबारक सबसे अजीम आयत अल्लाकयम चुनाचा एक तवील हदीस में आता है सही बुखारी की हदीस है कि नबी करीम वसल्लम इशाद फरमाते हैं जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएँ तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करें इससे अल्लाह सुबाला तै की तरफ से एक मुहाफ मुकर होगा और सुख तक शैतान आपके करीब भी ना आ सके लिहाजा सोने का इरादा जब हो जाए तो लाजमी आयतल कुर्सी एक बार पढ़ लेनी चाहिए लाजमी तो एक फरिश्ता मुक्र हो जाता है जो रात भर हिफाजत करता है जितना सामान है उसकी हिफाजत करता है ला मिन बित पकदस्त। लन लहा। अलीम। दीन के मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं है हिदायत का रास्ता गुमराही से मुमताज़ होकर वाजे हो चुका इसके बाद जो शख्स तागूत का इनकार करे अल्लाह सुबहाना तआला पर ईमान लाए उसने एक मजबूत हलका थाम लिया जिसके टूटने का कोई इम्कान नहीं और अल्लाह सुबाना तला खूब सुनने वाले सब कुछ जानने वाले हैं तो यहाँ के ऊपर दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं और बे इंतजा गलत फहमी पाई जाती है इस मौके के ऊपर बहुत सारे लोग कह भाई दीन के ऊपर जबरदस्ती नहीं है तो क्या ये हमारे क्या इतना जोर लगाते हो तो इसके दो दो रुख है पहला रुख क्या है मुसलमानों के लिए क्या हुक्म है वो देख लिया जाए गैर मुस्लिम के लिए क्या हुक्म है वो देख लिया जाए समझ आ जाएगी बात की है तो पहली बात क्या है मुसलमानों के लिए ज़रा समझ लेते हैं कि दीन में कोई ज़बर जो कहते हैं यूं कह देते हैं आजकल के दौर में कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं हो भाई हमें छोड़ो हम खुद करेंगे हम खुद देखेंगे हमारा मामला है तुम कौन होते हो भाई बोलने वाले हम अपनी जन्नत दोजा खुद जानते हैं व किधर हद तक चले जाते हैं कभी कभार तो परेशानी होती है सोचकर और सुनकर ऐसे कलमान कि जहां की आग अगर यहाँ थोड़ी सी आग लग जाए ना तो लग पता जाता है क्या हुआ जो इसकी सत्तर गुना है वो क्या है उसके बारे में ऐसे कहते हैं हम देख लेंगे खुदा ना आसा पास आ जाए जा जा तो पता चल जाए क्या चीज़ है अभी इधर चंद दिन बारिश नहीं होती हालत ऐसी हो जाती है कि कहां जाएं, कहां सोएं, कहां उठें। वो हो भाई कहाँ जाए कहाँ सोए कहाँ उठे बातें ऐसी करते हैं जैसे पता नहीं क्या खुद बना के बैठे हैं सारी चीजें वो तकबुर की इंतहा पे पहुंच जाते हैं तो चुनाचा एक हदीस औलाद जब सात साल की हो जाए तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो और जब दस साल की हो जाए और नमाज ना पढ़े तो मारो ताकि नमाज के आदि बन जाए अब भाई अगर अगर जबर नहीं है तो मारने का हुक्म क्यों है जबरदस्ती क्यों है कुरान क्या है उसका उसमें हुक्म है कि अपनी अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ जो आग पत्थर और इंसानों की से है यानी जिसका फ्यूल तो कैसे अगर जबर नहीं है तो ये हुक्म कैसे है फिर आ गया है दूसरी हदीस से ही बुखारी तुम में से हर एक हाकिम है निगेबान है और हर एक से उसकी रियायत के बारे में सवाल होगा बस इमाम हाकिम है उससे सवाल होगा मर्द अपने बीवी बच्चों का हाकिम है और उससे सवाल होगा औरत अपने शौहर के माल की हाकिम है और उससे सवाल होगा गुलाम अपने सरदार के माल का हाकिम है और उससे सवाल होगा सुनो तुम में से हर एक हाकिम है और हर एक से सवाल होगा तब तो किस बात का सवाल और किस बात का हाकिम अगर नहीं है जबर तो कैसा सवाल फिर तो मेरी मर्जी में जो भी करूं फिर मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत अपने बीवी बच्चों की सवाल होगा मुझसे अगर जबर नहीं है तो सवाल क्यों होगा जबर है तभी तो सवाल है हाकिम के ऊपर क्यों जिम्मेदारी है अपनी रियायत की उससे सवाल होगा आज जो बन गया और जाकर नहीं अल्लाह के अहकाम मानता वो उससे सवाल होगा इस चीज़ का भई तुम्हें बनाया तुम्हें हमने हुकूमत दी तुम्हें हमने यहाँ जमीन अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के बारे में कहा है कि हम उनको देंगे और जब तक वो नेक बंदे नहीं आते ना वहाँ तक नहीं पहुंचते वो हमारी अपनी हमारे अपने अमाल है हमारे सामने आते तो उनसे पूछा जाएगा भाई तुमने क्यों नहीं किया ये सब कुछ क्यों नहीं नमाज पढ़ाई क्यों नहीं अल्लाह के अहकाम मनवाए जवाब देना हो जैसे ऐसा तुम्हारे कह रहे हैं ना रजान हो क्यों कुत्ता मरेगा तो मुझसे पूछा जाएगा ये हाकिम यह है डर अलग चुनाचा एक और हदीस सही मुस्लिम की तुम में से जो शख्स कोई बुराई देखे तो उसे चाहिए कि वो उसे अपने हाथ से बदले बदल कर दे फिर अगर उस बात की ताकत ना हो तो जबान से उसे रोके और अगर जबान से भी नहीं कह सकता तो दिल से उसको बुरा समझे और ये ईमान का सबसे नीचा वाला दर्जा है अगर नहीं है जबर तो क्यों हाथ से रोके अगर जबर नहीं है तो क्यों हाथ से रोके भाई छोड़े जो कर रहे हैं बच्चे करने दे करने दे क्यों अल्लाह ताला कह रहे हैं हाथ से रोको नहीं रोके फिर बात समझ आ रही है तो जो बंदा मुसलमान हो गया उसके साथ तो जबर वाला नहीं हाँ अब जो मुसलमान नहीं हुआ उसके साथ क्या मामला है वो समझ गया बात इधर तो जबर समझ आ गया है ना नहीं तो अब जो जिसका जिसके ऊपर जितनी रियाय खुद समझ लें मैं अगर मेरी, मेरी क्या पोजीशन है अभी जिस बंदे की शादी नहीं हुई जवान है उस तो थोड़ा बहुत अपने भाई बहन को कह ले अभी अकेला है उसके ऊपर कोई टेंशन नहीं है बस जबान से कहता रहे जहां हाथ से रोक सकता है रोके कि भाई कोई भाई गलत काम कर रहा है कोई छोटा बच्चा गलत काम कर रहा है कोशिश करे रोके और नहीं तो अभी उससे कोई सवाल नहीं है लेकिन हाँ उससे आगे बढ़ गया कोई बीवी बच्चों ऊपर तो जिम्मेदारी चुनाचा गैर मुस्लिम की बात कर ले तो एक सही मुस्लिम की हदीस इससे समझ आ जाएगा अल्लाह के रसूल वसल्लम जब किसी बड़े लश्कर या छोटे दस्ते पर किसी को अमीर मुकर्रर करते तो उसे खास इसकी उसकी अपनी जात के बारे में अल्लाह से डरने का हुक्म करते और उन तमाम मुसलमानों के बारे में जो उसके साथ हैं भलाई की तलकिन करते फिर फरमाते अल्लाह के नाम से अल्लाह की राहद करो अल्लाह के लिए आजाद होगी सिर्फ जो अल्लाह ताला से कफुर करते हैं उनसे लड़ो ना खयानत करो ना बदअहदी करो और ना किसी बच्चे को कत्ल करो और जब मुश्करों मुश्कों में से अपने दुश्मन से टकराओ तो उन्हें तीन बातों की तरफ बुलाओ उनमें से जिसे वो तस्लीम कर लें उसी को उनकी तरफ से कबूल कर लो और उन पर हमले से रुक जाओ तो पहली बात उन्हें इस्लाम की दावत दो अगर वो मान लें तो उससे उनकी तरफ से कबूल कर लो और जंग से रुक जाओ कुफार को इस्लाम की दावत दी जाएगी मान लें तो बस जंग खत्म कोई नहीं मुसलमान हो गए अब तो भाई भाई हो गए दूसरी बात अगर वो इनकार करें तो उनसे जजिये का मुतालबा करो अगर वो तस्लीम कर लें तो उनकी तरफ से कबूल कर लो जजिये का मुतालबा क्या है टैक्स तो इजाफी टैक्स जैसे आज अगर आज अगर हम में से कोई बंदा जाके सऊदी अरब में नौकरी करना शुरू कर दे तो उसको वहाँ रहने के वीजे के एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं जो आम वहाँ के पैदाइशी उनको नहीं पैदाइशी भी नहीं जो उनके वहाँ के नेशनल हैं उनको नहीं देने पड़ते तो इजाफी एक टैक्स की सूरत है ना उसी तरह का एक इजाफी टैक्स कि आप मुसलमानों के अब अंडर आ गए हो अब आपको टैक्स इजाफी देना पड़ेगा तो जजिया का मुतालबा है और उस सूरत में जब वो मान जाए तो उनकी हिफाजत करना मुसलमान उस रियायत जो मुसलमान हुक्मरान है उसकी जिम्मेदारी अब वो दूसरी बात पर भी नहीं आते तो तीसरी और आखिरी बात और अगर वो इनकार करें तो अल्लाह से मदद मांगो और उनसे लड़ो अब बस लड़ाई होगी मुसलमान नहीं हो सकते जजिया भी नहीं दे सकते तो लड़ाई करो आज के दौर में तो अजीब सी बात लगी कौन से मुसलमान है वही वो कहाँ वाले हैं जो यूं निकल जाए और बोले कि हाँ भाई कौन है जो अल्लाह का दुश्मन है आओ हम तुमसे लड़ेंगे अभी तो अपनी अपनी हालत ऐसी है कि ना पूछें अपनी हालत ऐसी है इलैहि राजिऊन बात समझ में आ गई जबर के बारे में दोनों बातें समझ में आ गई मुसलमान मुसलमान सारों के लिए जबर नहीं है मुसलमान उनके लिए तीन कैफिया तो मुसलमान हो गया बात खत्म मुसलमान नहीं जजिया जजिया नहीं तो जंग उसके लिए हमें बनना पड़ेगा कुछ ऐसे ही नहीं और याद रखें कम जमात भी ज्यादा के ऊपर भारी हो सकती है कम जमात भी काम की है ना अगर तो ऑफिस में भी अगर आपको समझना हो तो किसी टीम लीडर के पास पांच छह आठ लोग हैं वो ये देख ले कि अगर दो लड़के हैं ना काम वाले वो छह आठ के ऊपर भारी हैं छह आठ का लश्कर किसी काम नहीं ये दो चीते जो होते हैं ना वो ऊपर है उत्ते सारों से तो ऐसे ही है भाई अल्लाह ताला के नज़दीक भी जो ईमान में कुवत पकड़े हुए लोग हैं ना वो थोड़े से भी बहुत सारों के ऊपर भारी आ जाते हैं इस आयत के तर्जुमे में एक मजबूत हल्का थाम लिया जो अल्लाह ताला पर ईमान लाया उसने एक मजबूत हल्का थाम लिया तो याद रहे कुरान की तालीमत दीन इस्लाम की तालीमत ये वक्त के साथ बदलती नहीं है सारी चीज़ें तो उधर बदल नहीं हैं ये तालीमा बदल नहीं रही इसने मज़बूत हल्का थाम लिया। तो अल्लाह ताला के ऊपर जो ईमान लाया उन्होंने मज़बूत हल्का थाम लिया उसको थामे हैं। किसी सूरत उसको ना छोड़ें अल्लाह वली आनू युर मूर वीफ़रू अलियादून अल्लाह सुबाना ताल ई ईमान वालों के मददगार हैं वो उन्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लाते हैं और जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है उनके मददगार वो शयातीन हैं जो उन्हें रोशनी से निकाल कर अंधेरों में ले जाते हैं यही लोग दोजा पाले हैं वो हमेशा उसी में रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने खुद का ईमान वालों का मैं मदद मददगार और अल्लाह ताला ने कहा ईमान वालों को मैं अंधेरों से निकाल के रोशनी में लेकर के जाऊँगा जो ईमान वाले नहीं हैं उनको रोशनी से अंधेरों में लेकर के जाएंगे ये बात बड़ी अजीब सी ऐसा आसानी से समझ में नहीं आती मगर मैं आपको आम लफ्जों में एक छोटी सी चीज समझाने को शुरू करता हूं फर्ज करें कि तीन मंजिला घर है एक बेसमेंट है एक ग्राउंड फ्लोर है एक ऊपर वाला टॉप फ्लोर है रोशनी सबसे ज्यादा किधर होगी ऊपर उससे कम किधर होगी ग्राउंड वाले फ्लोर पे सबसे कम किधर होगी बेसमेंट में अभिमान वाले और काफिर दोनों ग्राउंड फ्लोर पर खड़े हैं अगर आसानी सिर्फ समझाने के लिए दुनियावी दुनियावीबार से अल्लाह ताला उनको उस रोशनी से उठा के ऊपर वाली रोशनी की तरफ ले जाएंगे और रोशनी से उठा के और नीचे की तरफ ले जाएंगे जहां पे और ज्यादा अंधेरा है इतना आसान है समझना तो अल्लाह ताला के अहकाम मानना शुरू कर देते हैं जो लोग तो अल्लाह ताला उन्हें और रोशनी की तरफ रहनुमाई की तरफ लेकर के चले जाते हैं और शायती उन्हें और गुमराही में और आपस में लड़ने झगड़ने में और बुरे कामों में लेकर के चले जाते हैं तो बस वो अंधेरे में ऐसे गए कि वहाँ से निकल नहीं सकते बस इंशाल्लाह ये इस रुकू का मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर अज़म करते हैं ना इंशाल्लाह खूब अच्छे से कुरान पाक पढ़ करके समझ करके अमल करेंगे इंशाल्लाह आजम करते हैं ना इंशाल्लाह बस छोटी सी दुआ कर लें या 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 اللهم صل على على محمد محمد وعلى وعلى كما صليت ابراهيم याराहिम याब्राहिम्राहिम اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله اپنی سچی محبت عطا فرمائیں يا الله نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائیں يا الله خوب اچھے سے قران پاک پڑھ کے سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں يا الله امت مسلمہ کے حال پر خصوصی رحم فرمائیں या अल्लाह हमारे स्कूल का कर्ज़ जल्द अज जल्द महज़ अपने करम से उतार दीजिए समय ना अतवानों को फ़रौना कर बना वही